हेलो गाइस, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। और आज भाई मैं इस रेडिगो के अंदर ना जो जो ऐसी सीरीज लगी है उसका आपको डिटेल में प्राइस बताने वाला हूँ कि कितने की पड़ी थी वो, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई कितने की है, क्या कुछ है। जो जो ऐसी सीरीज है उसका डिटेल में प्राइस बताऊँगा और ये कितने की पड़ी थी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पर जैसा कि आपको पता है इस कार के अंदर एरो किट इंस्टॉल हुई हुई है। तो सबसे पहले हम एरो किट की बात करते हैं। एरो किट में आपके फ्रंट में ब्लैक नीचे का गार्ड आ जाता है, साइड में आ जाती है जो कि मतलब स्क्रैच से बचाती है। तो इसके प्राइस की बात करते हैं। तो गाइस ये जो एरो किट इंस्टॉल हुई थी ना इस कार के अंदर, ये देखो ये जो यहाँ से कंटिन्यू होती चली जाती है पूरी पीछे तक। तो गाइस इसका जो प्राइस है टोटल, ये थी आपकी 20,000 की कंप्लीट एसेसरीज जो कि मतलब कंपनी से लगवाई थी और जैन में नहीं, बिल्कुल कंपनी से लगी हुई है निशान की। और इसमें आता क्या कि नीचे आता है फ्रंट में, साइड में बम्पर पर लगी हुई आती है, जो ब्लैक वाली स्ट्रिप्स देख रहे हो आप ये बम्पर पर लगी हुई आती है। और ये स्क्रैचलेस के लिए होता है जो कि स्क्रैच से बचाती है कार को। तो चलो गाइस अब सेकंड बात करते हैं क्रोम की, कि क्रोम किट कितने की पड़ी थी। तो गाइस क्रोम किट की बात करें तो जो हेडलाइट पे लगी हुई है और ये नीचे आपकी और फ्रंट में तो कहीं नहीं है, खैर हेडलाइट पे ही है। और ये साइडों में आती है आपकी, मिरर्स पे आती है, डोर हैंडल पे आती है और पीछे की साइड चले तो टेल लैंप पे भी आती है और यहाँ पर बूट के ऊपर भी मिल जाती है और ये स्क्रैचलेस गार्ड भी मिल जाता है। तो इस क्रोम की बात करें तो जो क्रोम किट पड़ी थी ये भी पड़ी थी हमें 25,000 की, जो मतलब डोर हैंडल्स, फ्रंट के हेडलाइट, हेडलाइट और ये जो आपके रेयर फॉग लैंप होते हैं इन पे भी क्रोम है। तो ये 25,000 की पड़ी थी। पर भाई क्वालिटी इनकी बहुत बेकार है। देखो रेयर वाली टेल लाइट के देखो, ये तो मतलब अभी है, थोड़ी फिनिश है इसके अंदर, शाइनिंग है, बट लेकिन जो फॉग लैंप पे बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, इनके अंदर चली गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई शाइनिंग इनकी। और गाइस एरो किट में ये भी इंस्टॉल होता है 20,000 में जो पड़ी थी। और ये क्रोम किट की तो मैंने पूरा ही बता दिया कि 25,000 में कंप्लीट कार पड़ी थी। जो जो क्रोम पार्ट देख रहे हो बूट पे, ये सारा क्रोम की किट में ही आता है सारा। तो चलो गाइस अब बात करते हैं इसकी सेकंड रूफ रेल्स की। तो गाइस ये इसकी रूफ रेल्स है जो कि ये भी कंपनी फिटेड है रूफ रेल्स भी। और इनका जो प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 6,000 की। रूफ रेल्स 6,000 की है इस कार के अंदर जो लगी हुई है। ये तो मतलब ठीक है, एक बढ़िया कंपनी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल हो गए अभी तक भी क्वालिटी सही है, हिलती भी नहीं है जरा सी भी। और उसके बाद करते हैं भाई स्पॉइलर की। तो ये जो स्पॉइलर है ये अलग से लगवाया था, ये कोई एरो किट में या क्रोम किट में अटैच नहीं था, ये अलग से लगवाया था, इसका प्राइस अलग से पे करना पड़ा था। और इसमें देखोगे ना कलर में थोड़ा मिसमैच है, देखो ये थोड़ा हल्का सा फ़र्क लगता है इसके और बॉडी कलर में, जिसमें आपको यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है। एक तो नीचे आती है इसकी हाई स्टॉप लैंप पर, लेकिन जो स्पॉइलर में है इसमें भी मिल जाती है। ये था 2000 का। और हाँ गाइज इसके अंदर अब बात करते हैं डोर वाइज़र की। तो ये जो डोर वाइज़र आप देख रहे हो इसके अंदर, ये पड़े थे हमें 1600 रुपये के, मात्र 1600 रुपये के डोर वाइज़र है, क्रोम वगैरह कुछ भी नहीं आता। और ये जो इसकी साइड बीडिंग है, ये साइड बीडिंग भी पड़ी थी हमें कुछ 900 के अराउंड पड़ी थी साइड बीडिंग्स, जो कि मतलब विदाउट क्रोम है, सिर्फ ब्लैक है जो स्क्रैच से बचाती है, डेंट वगैरह लग जाता है उससे बचाती है। गाइस इस कार के अंदर ना एक और ऐसी चीज लगी हुई है, वो है आपके आई पॉप, जो कि मतलब 200-250 रुपये में आपको कहीं भी किसी भी शॉप में मिल जाएंगे कार वाले की, या फिर आप कहीं भी जा कर के ले सकते हो करोल बाग वगैरह में। ये कुछ आपको नॉर्मल 200-250 रुपये के मिल जाते हैं आराम से। तो भाई इनका फ़ायदा बहुत है, अगर आपने ऐसे कार खोली और यहाँ पर कोई दीवार है, मान लो ऐसे दीवार है, तो भाई ये टच होगी ना खाली इसी पे ही झटका लगेगा, आपकी कार पे कोई स्क्रैच नहीं लगेगा, कोई डेंट नहीं लगेगा। ये भी आपकी कार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरीज है जो मतलब स्क्रैच और डेंट लगने से बचाती है। तो चलो आइए हम इंटीरियर में बात करते हैं, इंटीरियर में क्या क्या चेंज और क्या क्या प्राइस के लगवा रखे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो सीट कवर्स डुअल टोन कलर में, सिल्वर प्लस ब्लैक में लेदर राइड है। इनकी जो कॉस्टिंग आई थी वो आई थी भाई 5,500, मतलब 5,500 रुपये के पड़े थे। उसके बाद बात करें इसकी स्टीयरिंग रैप की, भाई स्टीयरिंग रैप काफ़ी अच्छे से कर रखा है, 4 साल से चल रहा है। इसकी कॉस्टिंग थी कुछ 1500 के अराउंड, 1500 रुपये में भाई इतना बढ़िया स्टीयरिंग रैप हो जाता है, सारा काम एक साथ ही हुआ था। उसके बाद आती है इसके अंदर नीचे लाइट लगवा रखी है भाई ब्लू कलर में, देख सकते हो आप साफ साफ, जो कि मतलब रात के टाइम में काफ़ी बढ़िया लगती है। इनकी कॉस्टिंग थी 3,000 रुपीज़। ये फ्रंट में आती है केवल इधर की साइड, और ये दूसरी पैसेंजर साइड में दो जगह आती है खाली, ये इनकी 3,000 रुपये कॉस्टिंग थी। उसके बाद आते हैं भाई इसके अंदर मैट्स, ये देख रहे हो आप 7D मैट डले हुए हैं भाई, पूरे ऊपर तक जाते हैं, देखो यहाँ तक पूरे मैट डले हुए हैं और पूरे कुछ भी मिट्टी नहीं जमती इनके ऊपर। इनकी 7D मैट में फ्रंट में भी आते हैं और पीछे वाली जहाँ पे बैठते हैं वहाँ भी आते हैं। तो इनकी जो कॉस्टिंग थी ये पड़े थे भाई हमको 4,500 रुपये के, जो कि मतलब बूट में भी डला हुआ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक तो फ्रंट में आते हैं। और उसके बाद बात करें रिवर्स कैमरे की, सबसे मेन बात कैमरे की भाई, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बार क्वालिटी दिखाता हूँ। ये रिवर्स गियर लगाया हमने,
तो भाई ये है इसकी क्वालिटी, और ये ओरिजिनल मिरर नहीं है, इसके पीछे भी एक और मिरर लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। इसकी मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये जो इसकी स्क्रीन है ना खाली, ये अलग से ली थी, ये पड़ी थी 2000 की, मतलब 2000 रुपये की, और इसका जो कैमरा है वो उसकी कॉस्टिंग आई थी कुछ 3500 रुपये के आसपास। तो ये टोटल हो गए आपके 5000 के आसपास आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, जो कि मतलब सही है, बढ़िया क्वालिटी में। एक बार दिखा दो दोबारा से, ये देखो क्वालिटी भी सही मिल जाती है इसके अंदर आपको। मोबाइल होल्डर तो आपका कोई 150-200 के अराउंड मिल जाता है आपको आराम से। और गाइस अब बात करते हैं, इसके अंदर स्पीकर भी नहीं आते, मेन बात तो ये है ना, स्पीकर की कॉस्टिंग जो है ना वो काफ़ी हाई थी, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखेंगे इसके अंदर फ्रंट में ट्विटर दोनों साइड, और इसमें खाली फ्रंट में रेडिगो का बेस से एक ऊपर वाला मॉडल था, तो इसके अंदर खाली फ्रंट में दो स्पीकर आते थे जिनकी क्वालिटी ऐसी ही थी। इसमें दो ट्विटर लगवा रखे आगे, रियर डोर में तो भाई इसके अंदर स्पीकर लगाने का स्पेस नहीं आता, तो इसके अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं वो लगे हुए पीछे पार्शल ट्रे के ऊपर, जो पार्शल ट्रे देख रहे हो उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, तो गाइस ये देखो पार्शल ट्रे के ऊपर इसके ऊपर स्पीकर लगवा रखे हैं, जो कि मतलब अलग से लगवाई थी, पार्शल ट्रे भी नहीं आती इस कार के अंदर। और इसके अंदर रखी हुई है एक बेस ट्यूब JBL की, जो कि मतलब बहुत तगड़ा बेस निकालती है, 1200 वॉट की है ये। तो इसके अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की, तो भाई ये जो JBL की बेस ट्यूब और स्पीकर और ट्विटर का प्राइस पड़ा था ये थी हमें 25,000 की। बता दो कैसे, क्योंकि भाई देखो 15,000 की तो खाली बेस ट्यूब ही बेस ट्यूब थी, ये JBL की है और बेस ट्यूब सिर्फ 15,000 की थी। उसके बाद 7,000 के इसके स्पीकर और ट्विटर थे, और बाकी 3,000 इनमें इंस्टॉल करने के चार्जेस लगे थे, तो टोटल 25,000 का तो खाली इसका म्यूजिक सेटअप है। और ये देखो गाइस ये जो 70 मैट है पूरे पीछे में भी है, मतलब जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं, और यहाँ पे बीच में भी पूरे कवर कर देते ताकि मिट्टी जा ही नहीं सकती पीछे कहीं भी। और गाइस इस टाइम पे ना ये फुल्ली फीचर लोडेड कार है, ये जो भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती थी ना वो सारी मॉडिफिकेशन हो रखी है। ये देखो जो व्हील कैप्स होते हैं ये भी पेंट करा रखे हैं ब्लैक मैट कलर से, और ये मड फ्लैप से लेके सारी चीज़ A to Z इसके अंदर इंस्टॉल हो रखी है। बस एक चीज़ है, वो है कीलेस एंट्री, जो कि फिज़िकल की लगानी पड़ती है, बस वो उसकी प्रॉब्लम है, वो चेंज हो जाएगी थोड़े दिनों में। ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी जो जो इसके अंदर लगी हुई है, विद प्राइस बताई है। तो गाइस यही थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।